1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में 1786 के अंदर एक एक्ट आया था, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। आपको पता है उस समय, उससे पहले कुछ समय पहले क्या हुआ था, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम में इंग्लैंड को बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी, इंग्लैंड को वहां से बाहर निकलना पड़ा था। उस समय इंग्लैंड का जो सेनापति था वो था लॉर्ड कार्नवालिस, जो वहां से हार के आया था। लेकिन उसको वहां से कहां भेजा जा रहा था, उस समय इंडिया भेजा जा रहा था। लेकिन उसको ये बात पता थी कि भारत में गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति की शक्तियां दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में है। तो उसने कहा कि यदि आप लोग वहां ब्रिटिश संसद में कहा कि आप लोग यदि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति दोनों की शक्तियां यदि एक ही व्यक्ति को देते हो, यदि ये दोनों शक्तियां आप मुझे प्रदान करते हो तो मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूं, अदरवाइज मैं इंडिया नहीं जाऊंगा। तो लॉर्ड कार्नवालिस की बात मानकर ही ब्रिटिश संसद ने 1786 में एक अमेंडमेंट एक्ट पारित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल था उसको प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। पहले क्या होता था, प्रधान सेनापति अलग होता था, गवर्नर जनरल अलग होता था। लेकिन अब क्या किया गया, प्रधान सेनापति की शक्तियां भी किनको प्रदान की गई, गवर्नर जनरल को। और ये दोनों शक्तियां प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, लॉर्ड कार्नवालिस, जो कि अमेरिका से हार के इंडिया में आया था। ठीक है, इसमें एक विशेष प्रावधान भी था कि गवर्नर जनरल, चूंकि लॉर्ड कार्नवालिस अपने आप को पावरफुल करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने हित के लिए ये सारे के सारे जो ये नियम थे ये पारित करवाए थे कि भाई गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में, विशेष स्पेशल कंडीशन में अपनी जो परिषद है, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर स्वयं के निर्णयों को लागू कर सकता था। आपको पता है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के साथ में 4 सदस्यीय परिषद थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में 4 सदस्यीय परिषद की जगह 3 सदस्य कर दिए गए। और अब यहां पर क्या किया गया, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय निरस्त कर स्वयं के निर्णय लागू कर सकता है, यदि वो ऐसा समझे कि परिस्थितियां विशेष हो या कोई स्पेशल कंडीशन उत्पन्न हो गई हो। ठीक है, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। पहले दोनों अलग अलग व्यक्तियों में थी, लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जो कि गवर्नर जनरल भी थे और जिनको प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। ठीक है, ये था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके बाद में अपन देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट या 1793 का राजलेख। इसके माध्यम से क्या हुआ, कंपनी के अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी का अधिकार क्या किया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जो नियंत्रक मंडल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल था, उसके सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। इससे पहले तो इंग्लैंड से दिया जाता था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है, यह ऐसा पहला एक्ट था जिसमें भारत में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई थी। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव किस एक्ट के माध्यम से रखी गई, तो किस एक्ट के माध्यम से रखी गई थी, 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, यह ऐसा एक्ट था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया था। 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया था। आपको पता है, इससे पहले हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता समाप्त कर दी थी, और सर्वोच्च न्यायालय को यह कहा गया था कि आप भारतीयों के जो स्थानीय जो नियम है, जो स्थानीय धार्मिक सामाजिक नियम कायदे कानून है, उनका ध्यान रखें और उसी आधार पर आप लोग काम करें, अदरवाइज यहाँ के लोग भड़क जाएंगे। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी कानूनों में विनियमों की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, ये थे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।